2024 मकर लग्न के लिए, कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए देखिए, ये बेस्ट टाइम है। अविवाहित लोगों को विवाह के लिए मौका मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो एक रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि अगर आपका सोशल सर्विस से रिलेटेड कोई कामकाज या काम धंधे में, बिजनेस में, एक तो नौकरी में बहुत बड़ा आपको चांस भी मिलेगा। एक रिलीजियस ट्रिप आपके नसीब में 24 नवंबर से 10 जनवरी तक, वो भी पॉसिबल है 10 जनवरी तक। सो आई सेड कोई सडनली बहुत बड़ा खर्चा भी दिखाई दे रहा है, 10 जनवरी तक कोई मेजर डिसीजन को अवॉइड करिएगा। हो सकता है फॉरेन चांस मिल जाए, एम्बेसी की क्यू में कहीं खड़े हो, कहीं फॉरेन जाने के प्लान में हो, तो 24 नवंबर से 10 जनवरी ये भी पॉसिबल है। कहीं लोनलीनेस बहुत फील होगा 24 नवंबर से 10 जनवरी में, बट 11 जनवरी से सितारे आपको बहुत हेल्पफुल है। रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा 10 जनवरी तक, बहुत पैसा वापर देंगे इस समय में आप। दोज हू आर जॉबलेस, उनके लिए 2-3-4, मैं तो मानता हूं ये महीना ही अच्छा है, उसमें 2-3-4, 11-12, 27-28, 29 ये तारीख अच्छी है। दोज हू आर जॉबलेस, केयरफुल रहिएगा जॉब में, 8-9-10, 24-25, 26 और 30-31। बिजनेसमैन के लिए अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा पार्टनरशिप का नया डीड भी मिल सकता है, पार्टनरशिप नया एग्रीमेंट हो सकता है। पैसा घर लेने का योग है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करके घर लेने का योग है, मन के अंदर अजब शांति का अनुभव भी होगा। 23-24 जनवरी हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है, 20-21-22 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, और प्यार करते हैं उनके लिए 9 तारीख को प्रपोज कर दो, बढ़िया रहेगा क्योंकि ये विवाह का मौका है। देखिए आपका विवाह का 27 नवंबर से बात चल रहा है, पर कुछ दिसंबर महीने में गुरु वक्री था तो ये मौका नहीं मिला। 31 दिसंबर को गुरु मार्गी हो रहा है, जनवरी में आपकी विवाह की बात आगे चलेगी और कंफर्मेशन भी हो सकता है। बेस्ट टाइम टू गेट इट मैरी, प्यार करते हैं उनके लिए 9 जनवरी प्रपोज करने के लिए बेस्ट है, और शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए 11-12, 21-22, 23 बेस्ट है। 13-14-15 इस महीने का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन रहेगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।